बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन आप देख रहे हैं एक घंटे में रस्म रिवाज के तौर पे ये मसला हल हुआ। हम अदालत जाते सालों साल ये मसले घसीट रहे होते, वकला भी घसीट रहे होते थे, जज भी घसीट रहे होते थे। आज माशाल्लाह मुशावर से जो कबायली सारे मोतबरीन सारे बैठे हुए हैं उनके मशवरत से जो है आज ये मसला हल हो गया। बड़ी बात यह है कि आपने जो अच्छा सवाल किया कि सरावन है उस सब के लिए खुला हुआ है, एक फ़र्द बंदे के लिए नहीं, हर कबीले के लिए सारा ही खुला हुआ है। ये रहसानी हाउस नहीं है, बाहर भी आप जाके देखें तो सरावन हाउस लिखा है। आज जो है ना सरावन हाउस में ये मसले जल्द से जल्द हल होते हैं। ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि स्पेशली ये ट्रांसपोर्टर सब, मैं अपने बरादरी को सब ट्रांसपोर्टरों को कहता हूँ, आप लोग रिस्क रोज़ी जीते हैं, आप अपने ड्राइवरों को मोहताद रखें, इस खूनी रोड पर ख्याल से चलें, मैं ये गुजारिश करता हूँ जी। अभी मुझे जो है ना सुनने में आया है कि जो है ना अभी इसके टेंडर NHA ने किया हुआ, अभी तक इस पर राय अमल नहीं है। ये मेरे ख्याल से 2023 तक और अमवात हज़ारों के हिसाब से जो है ना शहीद होंगे ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टक्करी खलील अहमद सरपर। आज हम सरावन हाउस में बैठे हुए हैं। सरावन हाउस कबायली हवाले से समझो यहाँ का आप सुप्रीम कोर्ट, आप इसको कह सकते हैं हाई कोर्ट कह सकते हैं। अभी जो आज का ये फैसला है, एक हादसाती एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक की फौतगी हुआ है, दो ज़ख्मी हो गए हैं। अगर आप इस मसले को आप अदालती हवाले से देखा जाए तो ये मेरा ख़्याल महीनों चलेगा ये, लेकिन इसका मसला हल नहीं होगा। लेकिन कबायली दस्तूर का जो हमारे रस्म रिवाज है, आपके सामने ये सब कुछ हो गया कि नवाबजादा साहब ने सरावन हाउस में इस खून को भी माफ़ कर दिया, ज़ख्मियों का जो ज़ख्मी हो गए थे ये सारा मामला हादसा, हाँ उनको तंबिया किया गया कि जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो ऐसे हादसों से हमेशा मोहतात रहे, लेकिन ये उनको तंबिया ज़रूर किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये खुश असलूबी से और फ़ी सबीलिल्लाह जो है इस हादसे को, इसमें जो फौतगी हुआ था, ज़ख्मी हुए थे, नवाबजादा साहब ने सरावन हाउस में इस चीज़ को माफ़ कर दिया गया। तो हमारे सबसे बड़ी जो ख़ूबी हमारे कबायली हवाले से ये है कि ये देखो ये आधा घंटा भी नहीं लगा, क्योंकि जब आप अदालत जाएंगे तो वहाँ कोई फरीक अपना गलती तस्लीम नहीं करेगा। अदालत में दोनों जो है वो कहते हैं मैं सीधा हूँ, वो कहते हैं मैं सीधा हूँ, लेकिन ये जो हमारा रस्म रिवाज है ना, इसमें कोई झूठ नहीं बोला जाता है। जिससे गलती हो जाता है वो आके कबायली जो सर नवाब है, सरदार है, उन जो कबायली अमायदीन है उनके साथ साथ वो अपना सारा सब कुछ सच बताता है। अदालत में कभी कोई सच नहीं बताता है। अगर आप सच बताने की कोशिश भी करें आपको वकील नहीं छोड़ेगा सच बताने, क्योंकि जब आप सच बताएंगे तो वकील को किधर से मिलेगा ना। तो हमारे रस्म रिवाज का, हमारे कबायली निज़ाम का, ख़ासकर सरावन का, यहाँ ऐसे फैसले, क्योंकि सरावन हाउस में जो भी फैसला किया जाता है ये हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक ये एक कानून बन जाता है। फिर उसको सारा सरावन जालावान पूरे बलूचिस्तान में इसको फॉलो किया जाता है कि जी सरावन हाउस में ये फैसला हो गया है, एक एक्सीडेंट के लिए इतना रकम रखा गया है, तो लिहाजा दूसरे जगह पर यही कानून रहेगा। इसलिए नवाबजादा साहब ने जो है ये अपना बलोची बिरावी रस्म को मद्दनज़र रखते हुए और सरावन हाउस के जो अहमियत है उसको उजागर करते हुए इस तरह के मसले को, खून को जो है माफ़ कर दिया। तो इसमें ज़रूर नवाबजादा साहब ने जो है ट्रांसपोर्टरों को, जो कबायली अमायदीन जो मीर मुतबर उनके साथ आए थे मेड़ पर, उनकी तवज से उनको जो है तंबिया किया गया कि एहतियात करें, लेकिन जो रस्म रिवाज है उसके मुताबिक फैसला किया गया। मैं नवाब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इधर मैं यहाँ मेरा तकरीबन फैसला सही किया और खून बख्शा और ज़ख्मी का भी बख्शा, हर चीज़ मतलब सही सलामत किया। एक्सीडेंट हुआ था गडानी मोड़ पे, बस के साथ मोटरसाइकिल लग गया, एक आदमी नदीम साहब वो फोत हो गया उसमें, और मोहिद्दीन जो था ज़ख्मी थे इसमें। बहुत अच्छा हुआ ना, इधर फैसला हो कि इधर स्टाम्प लेकर जाता है, फिर उधर अदालत बहुत आसानी बन जाता है उधर। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरावन हाउस का और नवाबजादा का, उसका बहुत शुक्रगुजार।